ऊंचे पहाड़, विशाल झीले, साफ नीली नदियाँ, ये दिलकश नज़ारे शायद ही कहीं और देखने को मिले। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जिसे उसके प्राकृतिक सौंदर्य, शांत प्राकृतिक वातावरण और उसके आसपास के खूबसूरत नज़ारों के लिए पर्यटन स्थलों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। खूबसूरत वादियों में बसा हुआ लद्दाख प्रकृति का एक खूबसूरत और बेजोड़ नमूना है। इंदस रिवर के किनारे पर लद्दाख समुद्र की सतह से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे लैंड ऑफ हाई पासेस, मून लैंड या ब्रोकन मून जैसे नामों से भी जाना जाता है। लेह शहर लद्दाख की राजधानी होने के साथ साथ लद्दाख का मुख्य शहर भी है। लद्दाख दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। आप लद्दाख ट्रिप पर साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से मार्च एंड तक भारी बर्फ पड़ने की वजह से लद्दाख जाने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए ठंड के समय फ्लाइट से ही लद्दाख पहुंचा जा सकता है। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप 15 अप्रैल से अक्टूबर तक ही सड़क मार्ग द्वारा लद्दाख पहुंच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लद्दाख के कुछ दिलकश और अद्भुत टूरिस्ट प्लेसेस की। वैसे अगर देखा जाए तो लद्दाख में ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां जाने के बाद आपको लगेगा कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लद्दाख में स्थित हर एक जगह का अपना अलग ही मज़ा है। पहाड़ों के बीच अलग अलग रंग रूप, प्राकृतिक सौंदर्य और अपने आसपास के सुंदर नज़ारों को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। तो इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं लेह मार्केट से, क्योंकि यह बिल्कुल शहर के बीच में स्थित है। लेह मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। इस मार्केट में कई छोटे तिब्बत बाजार और सोवेनियर शॉप्स भी है। यहां कस्टम मेड पश्मीना शॉल और विभिन्न चांदी की कलाकृतियों के अलावा लद्दाखी कल्चर से जुड़ी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। शॉपिंग करने के अलावा आप यहां लेह के कई तरह के स्थानीय भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन लेह पैलेस की ओर। इस भव्य और आकर्षक संरचना को 17वीं शताब्दी में यहां के राजा सेंगे नामब्याल ने एक शाही महल के रूप में बनाया था। यह महल 9 मंजिलों का है, जहां ऊपरी मंजिल में शाही परिवार और नीचे की मंजिल में स्टोर रूम और अस्तबल होता था। अब इस महल की देखरेख आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। लेह पैलेस से अब बढ़ते हैं शांति स्तूपा की तरफ। कुछ विचारों को भीतर से जगाने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या ही हो सकती है। लेह के चांगस्पा में एक पहाड़ी पर स्थित शांति स्तूपा सबसे शानदार और शांतिपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य के अलावा इसके आसपास के लैंडस्केप के दिलकश नज़ारे शांति स्तूपा को लद्दाख के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। लेह शहर में हॉल ऑफ फेम घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लद्दाख में हॉल ऑफ फेम उन सभी सैनिकों को समर्पित एक संग्रहालय है जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ाई लड़ी और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। संग्रहालय की दीवारों पर लगे हुए फोटो फ्रेम भारतीय सेना के जज्बे और बहादुरी की कहानी सुनाते हैं। इसके अलावा सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार और सामान को भी वहां रखा गया है। हॉल ऑफ फेम में उत्साह से घूमने के बाद हम लद्दाख की खूबसूरत थिक्से मॉनेस्ट्री की ओर चलते हैं। 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मॉनेस्ट्री की देखभाल येलो हैट कम्युनिटी के लोग करते हैं। इसमें 12 मंजिला इमारत परिसर है और इसमें 500 से अधिक भिक्षु भी है। थिक्से के पास बौद्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, मूर्तियों, लिपियों, तलवारों
और चित्रों का एक बड़ा और कीमती संग्रह है। लेह से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 1820 ईस्वी में बनाया गया स्टॉक पैलेस देखने की अच्छी जगहों में से एक है। सिंधु नदी के करीब स्थित स्टॉक पैलेस शाही परिवार के समृद्ध इतिहास और जीवन शैली का एक शानदार उदाहरण है। यह आकर्षक महल अपनी वास्तुकला, डिजाइन, सुंदर उद्यानों और अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु नदी के बाएं पहाड़ी पर स्थित स्तकना मॉनेस्ट्री, जिसे स्थानीय रूप से टाइगर नोज के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटा और शांत मठ है। इस मॉनेस्ट्री की स्थापना 1580 में हुई थी। इसमें कई पेंटिंग्स, मूर्तियां और बौद्ध ग्रंथ भी है। स्तकना मॉनेस्ट्री के बाद सिख धार्मिकता से जुड़ा पत्थर साहिब गुरुद्वारा लेह से 25 किलोमीटर दूर लेह कारगिल रोड पर स्थित है, जो गुरु नानक देव जी को समर्पित है। यह गुरुद्वारा अत्यधिक पूजनीय है क्योंकि इसमें एक चट्टान है जो गुरु नानक जी की पीठ जैसा दिखता है। यह उस स्थान पर बनाया गया है जहां गुरु नानक देव जी ने एक राक्षस को जीत लिया था। गुरुद्वारे की देखरेख लामा और भारतीय सेना करती है। अब हम आपको लेकर चलते हैं मैग्नेटिक हिल, जो लेह के पास एक पहाड़ी है जिसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जाना जाता है। यहाँ आपकी गाड़ी खुद ब खुद 4 किलोमीटर बिना पेट्रोल के चल जाती है। गाड़ी लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। इस स्थान की एक खास बात यह भी है कि गाड़ी जब पहाड़ी से उतरती है तो इसकी स्पीड नॉर्मल से 3 गुना तेज हो जाती है। अविश्वसनीय मैग्नेटिक हील के बाद देखते हैं प्रकृति का एक अद्भुत संगम। संगम पॉइंट लद्दाख में सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम है। यह लेह श्रीनगर हाईवे पर लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू में स्थित है। इस बिंदु पर दो अलग अलग नदियों को मिलते हुए देखा जा सकता है। जबकि सिंधु नदी चमकदार नीली दिखाई देती है, वहीं जांस्कर नदी मेले हरे रंग की दिखाई देती है। संगम पॉइंट देखने के लिए एक शानदार स्पॉट है। अब चलते हैं तिब्बती भिक्षुओं द्वारा किया गया पहला निर्माण, जिसे लिकिर मॉनेस्ट्री या लोकप्रिय रूप से लिकिर गोम्पा के रूप में भी जाना जाता है। इस मठ के अंदर स्थित संग्रहालय तिब्बती कलाकृतियों और अवशेषों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करता है। वहीं जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, उनके लिए 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड भी लद्दाख में है। यहाँ बाइक चलाना एक सपने के पूरे होने जैसा है। इसके उबड़ खाबड़ इलाके और नदियाँ ट्रैकिंग, कैंपिंग और मोटरसाइकिल चलाने के लिए शानदार है, जिसके लिए आप अपनी बाइक या मनाली और लेह से बाइक किराए पर भी ले सकते हैं। लद्दाख में खूबसूरत झीलों को किसी भी कीमत पर मिस नहीं किया जा सकता। लद्दाख 3 बेहद ऊंची और खूबसूरत झीलों सो मोररी, सो कर और पेंगोंग सो से घिरा हुआ है। यह झीलें ऐसी दिखाई देती है जैसे ज़मीन पर नीलम जड़े हुए हो। इस खूबसूरत क्षेत्र में कई अन्य झीलें भी मौजूद है, लेकिन इन झीलों में सबसे खूबसूरत पेंगोंग झील है। यह झील 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। यह झील अपने रंग बदलने के लिए भी जानी जाती है। लेह शहर से 5 घंटे की ड्राइव करके आप पेंगोंग झील पहुंच सकते हैं। यह झील एशिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। अब बात करते हैं 13,154 फीट की ऊंचाई पर स्थित जांस्कर वैली की, जो एक अलग ही दुनिया है। इस क्षेत्र में खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़, शानदार झरने और खुला आसमान आपका मन मोह लेंगे। जांस्कर नदी सर्दियों के दौरान बर्फ से सफ़ेद चादर में बदल जाती है। इसी वजह से यह दुनिया भर में चादर ट्रैक के नाम से भी मशहूर है। अब बढ़ते हैं फूलों की घाटी नुब्रा वैली की तरफ। इस घाटी को लद्दाख का बगीचा भी कहा जाता है। घाटी को गुलाबी और पीले जंगली गुलाब से सजाया गया है।
लेह से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नुब्रा वैली बेहद आकर्षक और खूबसूरत है। इस घाटी का इतिहास भी बहुत पुराना है। साथ ही नुब्रा घाटी में स्थित दिस्किट मठ लद्दाख में पर्यटन स्थल के सबसे खूबसूरत और सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक है। इसमें विभिन्न बुद्ध प्रतिमाएं, अन्य संरक्षक देवताओं की छवियां और एक विशाल ड्रम भी है। लद्दाख में प्रसिद्ध मठों में से एक दिस्किट मठ आंतरिक शांति प्रदान करता है। इसके निकट स्थित मैत्र बुद्ध है, जो यहाँ का एक अन्य प्रसिद्ध आकर्षण है। इसी के साथ लद्दाख के इस खूबसूरत सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।